नमस्ते, मैं लक्ष्मी रेड्डी। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स का करंजी। ये माप से मैंने गेहूं का आटा लिया है, 40 काजू, 20 पिस्ता और 30 बादाम ने लिया और 2 इंच गुड़ और 1 कप दूध, घी और इलायची पाउडर और थोड़ा पानी। ये सबको थोड़ा बारीक काट लेते हैं, काट के पीस लेते हैं। और ये इतना गुड़ से मीठा हो बन जाते हैं करंजी। वो ड्राई फ्रूट्स है और दूध है, इलायची का पाउडर है, सबसे करंजी मीठा बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम आटा गूंद लेते हैं। आटा ज्यादा गिल्ला नहीं गूंदना है, टाइट ही गूंदना है, ये तो तेल ज्यादा कीचेगा करंजी। अच्छे से मसल मसल के आटा गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी लगा तो थोड़ा पानी डालते हैं और 1 चम्मच मैंने घी डाला है इसमें और अच्छी तरह गूंद लेते हैं। देखिए इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक आप ड्राई फ्रूट्स पीस लेते हैं। सब एक साथ पीस लेते हैं, गुड़ बाद में डालते हैं। गुड़ को मैंने बारीक बारीक पीस लिया है। तरबूज का भी डालेंगे, इलायच का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इलायच का पाउडर डाला है। अभी हम गुड़ डालते हैं। बारीक पीस लेते हैं। अभी निकाल लेते हैं वाटी में। आटा भी अच्छी तरह बिक चुका है, अभी बना लेते हैं करंजी। इसको ऐसे भी बनाए जाते हैं डिजाइन से, लेकिन अभी मैं ये इससे बनाऊंगी। थोड़ा पतला ही बनाते हैं। चांचे को ऊपर डालेंगे, अब 1 चम्मच मिश्रण को डालेंगे। थोड़ा सा साइड से दबा लेते हैं। ये बहुत स्वाद बनता है करंजी, एक खाएगा तो मन भर जाता है। डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई है ना, थोड़ा संभाल के खाने। थोड़ा दबा लेते हैं इसको, तो तेल में जाने पर फूटने का डर रहते हैं। ऐसे सब बना लेते हैं करंजी। कढ़ाई रखेंगे, तेल गरम करके लेते हैं। 3 टेबलस्पून घी डालेंगे इसमें। थोड़ा तेल को एक बार गरम होने देते हैं, ज्यादा गरम नहीं होने देते हैं, नहीं तो करंजी जल जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। और मीडियम आंच पर तलते हैं। जब भी मीठा खाने का दिल किया था ऐसा बना लीजिए।
मीठा भी होता है और ज्यादा हेल्दी भी होता है। एक क्रिस्पी तो नहीं बनता है लेकिन मुंह में घुल जाता है करंजी, इतना सॉफ्ट बनता है। देखिए कितना अच्छा करंजी, मुंह में घुल जाता है ये करंजी।